युग साधकों को युग शक्ति से और युग ऋषि से जुड़ने के लिए हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। चैत्र नवरात्रि का यह अनुष्ठान अद्भुत बने, दिव्य बने और जिसमें साधक के जीवन की प्रखरता और दिव्यता के अनुभूति वाला अनुष्ठान बने। और निश्चित रूप से है कि अंतरिक्ष तक जाने के साधन तो विज्ञान ने खोज लिए हैं, अंतर जगत में जाने के साधन युग ऋषि ने खोजे हैं। आइए हम सब मिलकर के युग शक्ति का भाव भरा इस श्रद्धा भावना और विश्वास के साथ आह्वान करते हैं कि हे जगत जन्य, हे रितंबरा माँ, हम आपके वह बालक हैं जो कई हम भूले भटके भी होते हैं। हम वो बालक हैं जो आपकी गोद में से कभी हम मचल करके कई और भ्रम और भटकाव में भी भटक जाते हैं, लेकिन पर्व विशेष एक वापस अपने केंद्र पर, वापस अपनी धुरी पर, वापस अपने घर की ओर वापसी आने का एक अच्छा माध्यम होता है। हे माता, आप हमारी उंगली को बल पकड़ पूर्वक पकड़ लेना ताकि हम भटके नहीं, अटके नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, वो पूरे उमंग और उत्साह के साथ हे वेद जननी, वेद माता, ऋषि युग्म के पावन आशीषों के इस छत्र छाया में अखंड दीपक सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा का ध्यान करें। कुंभ 2021 की पुनित बेला, युग तीर्थ शांति कुंज की स्थापना का स्वर्ण जयंती का यह पावन समय हम सब के लिए मंगलमय हो, इस भावना से एक बार महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, इस प्रकृति में छह ऋतुओं का जब कालखंड आता है इसे हम संधि बेला कहते हैं। और संधि बेला कुछ विशिष्ट प्रयोजन लेकर के आती है, एक ऋतु की विदाई, दूसरी ऋतु का आगमन, और प्रकृति के कालखंड की चलाने वाली गणना का नाम गायत्री है। गय कहते हैं प्राण को और त्रि कहते हैं तारने वाली को, और ये पूरा निखिल ब्रह्मांड और हमारा जीवन भी और जगत भी जिस प्राण शक्ति से उत्प्रेरित है, संचालित है, पोषित है और सजीव है। तो अभी आपने देखा होगा ऋतुराज बसंत की विदाई हुई और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ। बसंत ऋषु को युग शक्ति गायत्री की, रितंबरा भगवती की, सरस्वती की जयंती के रूप में, युग ऋषि के आध्यात्मिक जन्मदिवस के रूप में हमने मनाया, लेकिन अब हम लोग नूतन वर्ष आनंद संवत्सर 2021
78 की इस गुड़ी पड़वा से हम लोग एक नए संवत्सर में, एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। भारतीय कैलेंडर, भारतीय पंचांग के आधार पर 13 अप्रैल को जो गुड़ी पड़वा मनाने जा रहे हैं वह हम नवरात्रा का आरंभ दिन मानते हैं, और 21 अप्रैल को रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के दिन अनुष्ठान के हम पूर्णाहुति करेंगे। ये कई दृष्टि से अनुष्ठान शुभ मंगलकारी है और हमारे अंदर की सतोगुणी सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत करने का एक दिव्य प्रयोजन सिद्ध होगा। अच्छा, विशेष करके गायत्री अनुष्ठान ही क्यों, इस नवरात्रा के 9 दिनों में इसको नवदुर्गा अनुष्ठान भी कहते हैं। त्रिगृषि लिखते हैं कि समस्त देवी गुणों की प्रवृत्तियों के समुच्चय को गायत्री कहते हैं, समस्त देवी संपदाओं के जागरण को गायत्री मंत्र कहते हैं। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम भिन्न भिन्न देवी प्रवृत्तियों की अलग अलग जो कलाएं देखते हैं या उनके अलग अलग जो गुण और उनके आयुध और उनकी ग्रंथियों में जो जीवन की सफलताएं देखते हैं और जिन मूल्यों को लेकर के मनुष्य इस प्रकृति के गर्भ से जन्म लेता है, तो फिर अनुष्ठान भी एक गर्भकाल है। एक गर्भकाल वो पूरा हुआ जो 9 माह 9 दिन में माँ के गर्भ से पूरा होता है। अब हम 13 से 21 तक 9 दिवसीय एक गर्भ साधना करने जा रहे हैं। अब हम गायत्री के गर्भ में जा रहे हैं, मतलब पुनः प्रकृति के गर्भ में जा रहे हैं, पुनः अपने जीव चेतना को शिव चेतना के रूप में रूपांतरित करने के लिए। यदि कोई एक शब्दों में कहें कि गायत्री अनुष्ठान हमारे जीवन को क्या देगा, तो आत्मिक प्रगति के साथ में गायत्री साधना एक सद विचारों की साधना शक्ति का, सतोगुणी प्रवृत्तियों का जागरण करने का एक ब्रह्मास्त्र, एक देवी प्रयोग है। और इस प्रयोग को जब जब भी करते हैं तो संधि काल में इसका विशेष लाभ होता है। अच्छा, बीज है हमारे पास, कभी भी बो सकते हैं, उगेगा, लाभ भी होगा, कुछ चंद समय होगा। इसी प्रकार से युगऋषि लिखते हैं गायत्री महाविज्ञान में और गायत्री गुहा विज्ञान में कि गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का शब्द बीज शक्ति है। जैसे बीज धरती पर बोने पर उग करके विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तियों, शाखाओं, डालियों, फलों और अपने अपने गुणों को लेकर के आता है, ऐसे ही शब्द शक्ति में यदि संपूर्ण देवी गुणों को लेकर के कोई बीज रूप में है तो गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर बीज रूप में है। और ये बीज जीवन रूपी खेत में बोने का 2 संधि बेला विशिष्ट कही। एक तो अश्वनी मास की नवरात्रा जिसकी पूर्णावती में दशहरा आता है, और एक चैत्र मास की नवरात्रि जिसकी पूर्णावती में रामनवमी आती है। एक तरफ यदि आप देखते हैं तो दुष्प्रवृत्तियों के संहार के लिए राम ने शस्त्र उठाया था, और इधर सद प्रवृत्तियों के जागरण के लिए प्रभु राम ने अवतार लिया था। ते कि अवतारी परंपरा क्यों आती है और क्या प्रयोजन सिद्ध करती है, तो अनुष्ठान भी हमारे जीवन के युद्ध के लिए हमारे अंदर की सतोगुणी सात्विक प्रवृत्तियों को बढ़ा करके हमारे अंदर की अनियमितताओं को, दुष्प्रवृत्तियों को, हमारे अंदर के जितने भी कुभाव हैं उनको स्वभाव में बदलने के लिए, उनको देवी गुणों में बदलने के लिए गायत्री अनुष्ठान किया जाता है। अच्छा, वैसे भी गुड़ी पड़वा इस ऋतु मिलन के काल में पतझड़ होते हैं और नई कोपले आती है, नए शाखाएं आती है, प्रकृति का एक अलग ही सौंदर्य मिलेगा, वो भी भीषण गर्मी में। ते मान करके चलना कि हम जो भी कुछ अपने जीवन में संचित करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह चैत्र नवरात्रि अति उत्तम और सुरक्षा के दृष्टि से भी अति व्यापक रूप से हमारे जीवन में देवी गुणों का जागरण करके
दुष्प्रवृत्तियों से बचाने की शक्ति भीतर पैदा करती है, क्योंकि व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो मानसिक शक्तियों के जागरण से और आत्मबल की संपन्नता के कारण शरीर भी रिष्ट पुष्ट मजबूत होता है, जिससे प्रकृति मजबूत होती है। तो भाइयों बहनों, यह नवरात्रि अनुष्ठान क्यों करना चाहिए? इसका पहला उत्तर यह है कि हम किसी देवी देवता को खुश करने के लिए नहीं, अपने आत्मदेव को, अपने आत्मबल को, अपनी मनोदशा को मजबूत और शरीर को निरोग बनाने के लिए, अपने अंदर की अंतर चेतना के कायाकल्प के लिए। जैसे सर्प केचली उतारता है, चिपकली केचली उतारती है, ते जीव भी अपने जीवन में जो गंदगी आती है उसको एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान करके अपने अंदर का कायाकल्प करते हैं। ते ऋतु की संधि बेला नवरात्रि अनुष्ठान शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टि से हमारा कायाकल्प करेगा, एक नए जीवन की दृष्टि और सृष्टि प्रदान करेगा। अब इस अनुष्ठान को जो हम करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि में, यह नवरात्रि ऋतुराज बसंत के विदाई और ग्रीष्म ऋतु के आगमन की संधि बेला में आती है। इस समय हमारे शरीर के अंदर की पित्त और कफ प्रवृत्तियों का निष्कासन होता है और वात नाड़ी का संतुलन होता है, यतुवा स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसलिए इस समय हमारी अग्नि बहुत शांत होने लगती है। जो अश्विनी नवरात्रि में अग्नि बढ़ती है और इस अग्नि में शांत होती है, तो कहते हैं कि यहाँ के बाद हमारे शरीर की वैसे भी भोजन की आवश्यकता कम हो जाती है। तो हमारा शरीर क्या करता है, अंदर के जितने विकार होते हैं उनका अवशोषण करके बाहर निकालता है। वो पोषण की नवरात्रि थी अश्विनी नवरात्रि, और ये शोधन की नवरात्रि है चैत्र नवरात्रि। तो इस समय हमारा शरीर स्वतः ही अंदर की गंदगी को बाहर फेंकने का काम करता है। देखा होगा आपने, इस समय पसीना अधिक आता है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, आज समय हमारे शरीर में ज्वर आने लगता है। ये जितने भी विकार होते शरीर के, ये शरीर की प्रकृति इस ऋतु के साथ शोधन करती है। तो हमें इस समय इसको 9 दिन दे देना चाहिए, वो भी मंत्र शक्ति के साथ में। तो आइए अब हम इसके समाधान की ओर चलते हैं। क्या हम 9 दिन दे तो हम करें क्या? तो आइए इस नवरात्रि को हम करें कैसे, पहला तो क्यों करें। अब अगला आपका प्रश्न है कैसे करें। तो इस नवरात्रि अनुष्ठान के युग ऋषि ने अलग अलग प्रकार के तरीके बताए हैं। तो सबसे पहले हम इसको हम उपासना के आधार पर समझेंगे, आध्यात्मिक सानिध्य लेने के आधार पर समझेंगे, देवी गुणों को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जिस वेद माता गायत्री के हम आराधना करते हैं, इसको हम इष्ट मान ले, ये प्रकृति हमारा इष्ट है। एक चौरंग के ऊपर छोटी सी इसकी विधि बना ले, एक कलश, उसको हम घट स्थापना कहते हैं, और घट स्थापना में एक पुष्प, जो भी ऋतु का पुष्प मिल जाए, थोड़े चावल, एक सिक्का, दुर्वा, हल्दी की गांठ, ये मांगलिक चीजों को आप घट स्थापना में जल, पवित्र जल अर्घ्य दे करके, 5 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते या नागरबेली पान, और गुरु के रूप में श्रीफल रख दीजिए। कहते कि अनुष्ठान को किसी समर्थ के संरक्षण में किया जाता है, तो गुरु के प्रतीक के रूप में उसमें श्रीफल रख दीजिए, और दीपक और इष्ट देवता का चित्र। तो जल कलश, दीपक और गुरु के रूप में श्रीफल कलावा बांध करके आपने घट स्थापना कर दें। ये तो हो गई आपकी तैयारी। इसके बाद अब अनुष्ठान के प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार तो नवदिवसीय अनुष्ठान है, 27 माला गायत्री मंत्र की नित्य के हिसाब से हमको 9 दिन में एक लघु अनुष्ठान 24,000 का पूर्ण हो जाता है। पूर्ण गायत्री मंत्र के साथ में यदि हमको करना है तो 1 माला 6 मिनट में हो जाती है।
देखो इस प्रकार से आप इसको, ये माला है, कई बार माला को पकड़ने के तरीके भी साधक की प्राथमिक स्थिति में भी पता नहीं है, इसे मृगी मुद्रा कहते हैं, हंस मुद्रा कहते हैं। अब ये सुमेरु है, यहां से गायत्री मंत्र एक बोला एक मणि गया, एक बोला एक गया। अब ये मंत्र जपते जपते यहां तक आप आ गए हैं, इसको लांगना नहीं है, इसको यहीं से पलटना है और फिर ऐसे चलना है। एक मंत्र एक मणि, 6 मिनट में एक माला होती है। ये आपकी समय पर भी बता दी, और गौमुखी, गाय के मुख की तरह एक गौमुखी है, या एक सफेद नेपकिन या पीला नेपकिन भी आप ले सकते हैं, उसमें आप ढक लीजिए, क्योंकि माला जमीन पे टच ना हो। और इस प्रकार की मुद्रा में आप जप करते हैं, हाथ की ज्ञान मुद्रा, कोमलता से नेत्र बंद, दीपक कलश, सट कर्म आप कर चुके हैं, पवित्रीकरण, आचमन, अंगन्यास, प्राणायाम, शिखा वंदन, गुरु, गायत्री पूजन, प्रणाम करके माला शुरू कर दी आपने। अच्छा, कुछ साधक ऐसे हैं कि साहब हमको इस समय 3 घंटा जप करना पड़ेगा, 1 घंटे में 10 माला होती है, तो 3 घंटा एक साथ नहीं बैठते, इसको 3 घंटे बांट दीजिए, 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा दोपहर का, 1 घंटा शाम का, या फिर दोपहर का समय नहीं मिलता है तो इसको सुबह में जोड़ दीजिए, तो 2 घंटा आप सुबह कर लीजिए, 1 घंटा शाम को कर लीजिए, सूर्यास्त के 2 घंटे के पहले पहले तक भी आपका जप आराम से हो जाएगा। तो इसको आप त्रिकाल संध्या में भी बांट सकते हैं, या ब्रह्म संध्या, सूर्य उदय के 2 घंटे पहले उठ जाइए और 2 घंटे की आपकी साधना कर लीजिए। इसके बाद में अगला आता है, एक परिवार पूरा मिलकर के भी अनुष्ठान कर सकता है, जो प्राथमिक साधक हैं, जिनको बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो घर में यदि हम लोग 4 लोग रहते हैं, पति पत्नी बच्चे 2, माता पिता 2, पति पत्नी, तो ये 4 लोग मिलकर के भी एक लघु अनुष्ठान कर सकते हैं, वो भी केवल 10-10 मिनट की उपासना का, जिसको हम यूं कहेंगे पंचाक्षरी गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्व ओम भूर्भुवस्व। तो 1.5 मिनट में एक माला हो जाती है, तो 10 मिनट मैंने करा, 10 मिनट मेरी पत्नी ने, 10 मिनट मेरे माता पिता ने, तो एक पूरा परिवार भी मिल करके यह नवरात्रि का 24,000 का पंचाक्षरी गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, ये प्राथमिक साधकों के लिए बता दी, क्योंकि अभी जिनका लंबा समय तक बैठने का अभ्यास नहीं है, और वो गायत्री परिवार से जुड़ गए या गायत्री साधना से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें पूरे परिवार को जोड़ने का एक भाव, संकल्प संस्कृत में ना भी बोलते आए तो हिंदी में बोल ले कि हे वेद माता गायत्री, यह गुड़ी पड़वा का आज का मंगलवार का पावन दिन, मैं अपने पूरे परिवार के शारीरिक मानसिक आत्मिक कल्याण के लिए, जीवन की जो भी भूल चूक हुई उसके प्रायश्चित के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, हे वैद माता सबको सद्बुद्धि मिले, सबका कल्याण हो, इस भावना से अनुष्ठान में प्रारंभ कर रहा हूँ। जल अक्षत पुष्प कलश पे छोड़ दीजिए और अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए। अगला और महत्वपूर्ण है, जिन भाई बहनों को यदि अनुष्ठान काल अवधि में और भी समय कम मिलता है, तो वो 108 गायत्री मंत्र लेखन सुबह दोपहर शाम 3 समय में से कभी भी कर सकते हैं, 27 मंत्र 4 चरण में भी लिख सकते हैं। यदि 108 मंत्र प्रतिदिन 9 दिन तक नवरात्रि में मंत्र लेखन, जिसमें 5ों ज्ञान इंद्रियां एक साथ काम करती है, इसमें अलग से ध्यान नहीं करना है, अलग से आप लोगों को मंत्र जप यज्ञ नहीं करना है, सारा कर्मकांड सारी विधि मंत्र लेखन के साथ 27 मंत्र एक बैठक में लिख दो, 4 चरण इसके भी बना दीजिए, तो आपके ये 108 मंत्र लेखन की नवरात्रि कर लीजिए। और चौथा अनुष्ठान एक और है, 12 गायत्री चालीसा का पाठ कर लीजिए, 6 सुबह 6 शाम को, तो आपकी 12 गायत्री चालीसा पाठ से भी नवरात्रि का देवी पाठ हो जाएगा। बहुत सारे भाई बहनों की भावना रहती है कि हमें देवी पाठ से करना है, लेखन से करना है, पंचाक्षरी करना है, या पूर्ण गायत्री मंत्र से करना है।
एक पांचवा तरीका और है, बहुत सारे लोग अति व्यस्त हैं तो उनके लिए बहुत सरल उपाय बताया है कि गुरुदेव की आवाज में सूर्य उदय के पूर्व उठ करके 8 मिनट में 24 बार युग ऋषि की आवाज में यदि हम मौन होकर के उन्हीं की आवाज को मानसिक रूप से दोहराते हुए गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं तो एक मंत्र 1000 मंत्र की विद्युत शक्ति का संचार करती है। ये तो एक 9 दिन में शरीर की बैटरी को चार्ज करने का, जीव चेतना को गुरु शब्द शक्ति के द्वारा वेद माता गायत्री की ब्रह्म विद्या से जुड़ने का एक बहुत ही सूक्ष्म अनुष्ठान बता दिया कि जो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील या बहुत व्यस्त लोग जिनके पास 3 घंटे का समय नहीं है, तो हमारा अनुरोध है कि आप भी वंचित मत रहो, वेद माता का पल्ला पकड़ के रखो, ऋषि युग्म की उंगली पकड़ के रखो, आप आपके जीवन के लक्ष्य और उद्देश्यों में, जीवन की आपाधापी कष्ट कठिनाइयों में, चाहे आपके जीवन में कितनी भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, कौटुंबिक जिम्मेदारियों की परेशानियां है, तो एक साथ उसको हल करने के लिए देवी कवच तो मिलेगा ही, प्रारब्ध कटेगा, नया भाग्य, भविष्य और जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य में सफलता हासिल करने के लिए देवी शक्तियों का रक्षा कवच नवरात्रि में प्राप्त हो जाएगा। एक अनुष्ठान ये भी है, बड़ा सरल तरीका है, क्या हम युग ऋषि की आवाज में 24 बार अपने मोबाइल पर, पूजा स्थली पर गायत्री मंत्र चालू कर दे और मौन उनके साथ साथ करते चले। ये तो मैंने अनुष्ठान के प्रारंभिक तरीके बताए। एक होता है पुरुष चरण, जो 40 दिन में पूरा होता है 33 माला के हिसाब से, जिसको आप लोग नवरात्रि के बाद भी गायत्री जयंती तक कर सकते हैं। अगला और महत्वपूर्ण आता है जिसको हम कहते महापुरुष चरण, जो 1 वर्ष में पूरा होता है, जिसमें 66 माला प्रतिदिन और 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण जब युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कर सकते हैं, तो अपने जीवन में 1 महापुरुष चरण जरूर करना चाहिए। अब इस सभी प्रकार के अनुष्ठान के तरीके आपको बता दिए, अब इसका अब अगला और महत्वपूर्ण आता है दैनिक उपासना में गायत्री। तो जिसको 2 तरीके गुरुदेव ने बताए, दैनिक उपासना में गायत्री मंत्र को भाव योग के माध्यम से हम गायत्री की उपासना नियमित कर लें, 108 मंत्र 1 माला, और उसका अर्थ जो है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, पाप नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी उस परम प्रिय तेज को मैं अंतरात्मा में धारण कर रहा हूं, वह परम तेज मुझे सन्मार्ग पर चलने की शक्ति और सतत प्रेरणा दे रहा है। इसका अर्थ का 2 मिनट तक चिंतन करते रहे मंत्र के बाद में, ये दैनिक गायत्री उपासना हो गई। ना कुछ समझ में आता हो तो इतना कर लीजिए, युग ऋषि लिखते हैं कि गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद 2 मिनट तक मौन रहें और उसके भाव अर्थ का चिंतन करते हुए अपने आप को वेद माता गायत्री की गोद में बिठा दें और गुरु की छत्र छाया अपने ऊपर कर दें, सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा की, अखंड दीपक के प्रकाश की, और फिर ये भाव करें कि वह दिव्य शक्तियां मुझे उनकी गोद से देव मानव की ओर, आध्यात्मिक कवच की ओर ले जा रही है। और अगला और महत्वपूर्ण है सज्जनों देवियों, अनुष्ठान में आहार विहार का बड़ा महत्व है। यह हमारे शरीर के साथ उपासना का पक्ष जब पूरा होता है, यह आत्मिक पक्ष हो गया, अब हमारा जो मन का संबंध है उसका सीधा संबंध भोजन से रहता है, विचारों से रहता है। और युग ऋषि ने क्या करा, इतना बड़ा तंत्र जो खड़ा किया अपने प्रखर तपोबल और प्रखर विचारों के कारण, और प्रखर तपोबल और प्रखर विचार शक्ति को वरण करने के लिए युग ऋषि ने 24 वर्ष तक केवल जौ की रोटी और छाछ, वो भी गाय को खिलाए जौ की रोटी और छाछ पर अनुष्ठान किया। तो हम अनुष्ठान में अन्नमय कोष की शुद्धि का भी कुछ व्रत रखें। फल पर एक समय
अस्वाद भोजन लेकर के या कोई पेय पदार्थ, छाछ है, दूध है, शहद, नींबू पानी, दालचीनी है, या किसी भी प्रकार का औषधि कल्प भी हम कर सकते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु है, बेल का जूस लेकर भी कर सकते हैं, मुलहटी अश्वगंधा सतावरी का पानी पी करके कर सकते हैं। ये सब पित्त को भी समन करेंगे और गर्मी से भी बचाएंगे और ऊर्जा देंगे अलग। तो बेल का फल जो होता है उसका दूध में, पानी में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे ऐसी गिरी निकाल के भी खा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु का उत्तम औषधि फल है, तो हम कल्प के रूप में भी कर सकते हैं। इस ऋतु में आपको अंगूर मिलता है, संतरा मौसम्बी मिलता है और नींबू मिलता है। ये सब क्षारी फल है, आपका स्वास्थ्य भी मजबूत बनेगा और 9 दिनों तक आप केवल ऋतु फल के ऊपर भी अनुष्ठान कर सकते हैं। अच्छा, नमक और शक्कर छोड़ने से कोई बहुत बड़ा आपका आर्थिक लाभ नहीं हो जाएगा, लेकिन मानसिक लाभ बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अक्सर आदमी का 1.5 सेंटीमीटर की जिबान जो होती है ना स्वाद की, वो उसके अनुष्ठान में बाधक बनती है। क्योंकि मन उसको अक्सर खाने पीने की पदार्थ शक्ति में उलझा के रखता है, मैं ये खा लूं, उपवास में ये खा लूं। तो युग ऋषि लिखते हैं उपवास में गरिष्ठ चीजें खाना, पकवान खाना, बहुत सारे मेवा मिष्ठान या घी दूध की चीजें, तली भुनी खाना, ये सब उपवास के नाम पे लोग कर देते हैं। वास्तव में उपवास का अर्थ होता है पेट को छुट्टी करना है। तो 9 दिन के लिए हम गर्म पानी में शहद, नींबू या जल या कोई ऋतु फल लेकर के हम उपवास करें उत्तम होगा। या एक समय अस्वाद दाल सब्जी रोटी या जौ की रोटी और छाछ, जैसा आपको अच्छा लगे, अपनी शारीरिक दृष्टि को देख करके आप उपवास का भी चयन करें। इसके बाद आता है विहार। विहार तो हमारे शरीर की तपोमय और व्रतशील जीवनचर्या के 1 मिनट 2 मिनट समय सारणी हो, जिसके आधार पर हमारा 4 बजे जागरण से रात के 10 बजे तक शयन तक में हमारा समय का वर्गीकरण 9 दिन के लिए हम बांट दें, जिसमें हम भौतिक विज्ञान को और जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका त्याग करके एक व्रत लेकर के अनुष्ठान करें कि चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करूंगा, भौतिक संसाधनों का उपयोग न्यूनतम अभ्यास के लिए करूंगा, मनोरंजन के लिए नहीं करूंगा, फिल्म टेलीविजन से दूर रहूंगा, किसी के घर का या किसी के हाथ की सेवा या उनके पकाया हुआ भोजन या किसी भी प्रकार का बाहर का तला भुना वस्तु मैं नहीं ग्रहण करूंगा। तो हमारी जो दिनचर्या है उसको हम एक ऋषि की तरह 9 दिन व्रतशील जीवनचर्या एक अनुशासन के साथ में, कि मेरा आत्म अनुशासन है कि इस समय में वाणी से किसी भी प्रकार का अभद्र या अशुद्ध भाषा या झूठ या किसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे किसी का दिल टूट जाए, दिल दुख जाए, किसी का मन दुखे, किसी को नाराजी हो जाए। तो हम वाणी का भी सेम रखेंगे, दृष्टि का सेम रखेंगे, कानों का सेम रखेंगे और शरीर सुखों को त्याग करके इंद्रियों का सेम रखेंगे। जब जाकर के हमारा अनुष्ठान जो है वो अंतर जगत की शक्तियों से जुड़ने वाला बनेगा। इसके बाद अगला आता है और महत्वपूर्ण है स्वाध्याय का क्रम। यदि अनुष्ठान शरीर के लिए, मंत्र आत्मा के लिए, तो स्वाध्याय मन के लिए। अनुष्ठान का व्रत तीनों जगह पे सक्रिय होना चाहिए 9 दिन तक, मतलब हम शरीर, मन, आत्मा तीनों से मजबूत बने, जभी तो हमारा जीवन में साधना रंग लाएगी और प्रखरता आएगी साधना में और प्राण ऊर्जा बढ़ेगी जीवन में, उल्लास और आनंद बढ़ेगा। ये बढ़ता है स्वाध्याय से। अच्छा, स्वाध्याय का पहला परिणाम, व्यक्ति के कई प्रश्न है और कई प्रश्नों के उत्तर जब नहीं मिलते हैं तो हम या तो भ्रम में उपासना करते हैं, भय में उपासना करते हैं, भाव में नहीं करते हैं। तो स्वाध्याय भाव बनाता है। स्वाध्याय भय और भ्रम को दूर करके हमें अपने जीवन में उत्तम मार्ग की तरफ चलने की दृढ़ता और धैर्य प्रदान करता है। क्योंकि साधक वही होता है जिसकी संकल्प में दृढ़ता हो और उपासना के परिणामों में धैर्य हो। कई बार हमने देखा साधक गण संकल्प तो ले लेते हैं और उसमें कई विकल्प खड़े कर लेते हैं, संकल्प पूरे नहीं होते।
कई बार साधक लोग संकल्प भी ले लेते हैं लेकिन अधीरता रखते हैं, धैर्य के साथ लगे नहीं रहते हैं। सब हम तो 10 साल से गायत्री कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ, क्या परिणाम हुआ, कितने जीवन में झंझावात है, कितनी प्रतिकूलता है, संकट है, ते मान करके चलना है कि गायत्री के कारण आप 10 सालों के संकटों में आज भी जिंदा है, गायत्री के कारण 10 सालों के संकटों से निकल करके नए संकटों से सामना करने की सामर्थ्य आप में पैदा हुई, ये गायत्री का चमत्कार है। गायत्री व्यक्ति की समर्थता को जन्म देती है, गायत्री व्यक्ति के अंदर की सुप्त बल प्रवृत्तियों को जागृत करती है, और ये आत्मबल के जागरण से ही होता है। और आत्मबल जब जाग जाता है तो जैसे लोगों के सामने समस्याएं आती है तो कितना नेगेटिव हो जाते, आत्महत्या तक कर लेते, घर छोड़ देते, जीवन से निराशा और हताशा में जीवन जीने लगते हैं। लेकिन गायत्री का साधक ऐसा नहीं करता है, झंझावात और प्रतिकूलताओं में भी शक्ति सामर्थ्य से लगा है, वो इतने सालों से लगा है, उसके पीछे वेद माता गायत्री का संरक्षण है। और वास्तव में जब आप अनुष्ठान करोगे तो आपके मन में कैसा रहता है कि किसी गुरु के सानिध्य में करना, उनके मार्गदर्शन में करना, संरक्षण में करना। मैं आपको आत्मविश्वास से कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से, गुरुदेव ने कहा है कि बच्चों मैंने जिसके साक्षी में अनुष्ठान किया था अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष शरण, उसी दीपक को मैंने हिमालयवासी सदगुरुओं की शक्ति और ईश्वर की चेतना के रूप में, गुरु के रूप में, भगवान के रूप में वर्ण किया है। और मैं वचन देता हूं कि मेरे शरीर नहीं रहने पर भी यही दीपक करोड़ों करोड़ों गायत्री परिवार के परिजनों को वही गुरु का संरक्षण, ईश्वर की शक्ति प्रदान करेगा। और आप अखंड दीपक को साक्षी मान करके आप व्रत लीजिए, संकल्प पूर्वक अनुष्ठान में लग जाइए, आपका संरक्षण सजल सदा प्रखर प्रज्ञा अखंड दीपक युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से करते हैं। परम सद्या द्वय डॉक्टर साहब जीजी की जब चिट्ठी आती शांति कुंज से अनुष्ठान के लिए तो उसमें क्या लिखा रहता है, बहुत सारों के पास चिट्ठी आ गई होगी, ना आई हो तो एक लाइन लिखी रहती है, आपके अनुष्ठान करने की तिथि तारीख की हमें सूचना मिल चुकी है, आपके अनुष्ठान के दोष परिमार्जन के लिए यहाँ पर हमने अखंड दीपक से प्रार्थना कर दी है, आपका अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो, किसी भी प्रकार का आप भय ना रखें। अनुष्ठान काल अवधि में गुरुदेव माताजी प्रकाश शरीर से, प्राण शरीर से आपकी रक्षा करेंगे, आप निर्विघ्न अनुष्ठान संपन्न करें। तो परम सद्या जी डॉक्टर साहब जब अनुष्ठान शुरू करते हैं शांति कुंज में तो 15 करोड़ गायत्री परिवार के लोग नहीं, इस विश्व वसुधा पर जितने भी प्राणी रहते हैं उनके कल्याण का तर्पण करके, संकल्प बोल करके सबकी मंगल की प्रार्थना करते हैं कि इस अनुष्ठान में गायत्री परिवार के साथ अन्य भाई बहन भी इस गायत्री महाविद्या के संरक्षण से सुखी और समर्थ राष्ट्र और मानव के अंदर की जितनी देवी गुण है उन देवी संपदाओं के जागरण के लिए सबको सफलता मिले, ऐसी शक्ति के साथ आपका संरक्षण जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों अंतिम और महत्वपूर्ण है, अनुष्ठान काल अवधि में स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए, मतलब किसी से अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए, अपना नहाना धोना, कपड़ा बिस्तर लगाना, अपने ड्रेस सामग्री वस्तु लेना देना, आना जाना, सब कुछ स्वावलंबी, बहुत प्रभाव पड़ता है। स्वावलंबन ही स्वाभिमान है, स्वावलंबन ही आत्मनिर्धा है, स्वावलंबन ही समृद्धि है, स्वावलंबन ही जीवन की प्रगति का आधार है। देख लो जितने भी ऋषि मुनि संत महापुरुष हुए उन सब लोगों ने आत्मनिर्भरता का आधार स्वावलंबन को बनाया। तो हम अपने काम 9 दिन तक तो खुद करें, अपने हजामत, अपने कपड़े धोना, अपने घर की साफ सफाई, अपने पूजा स्थान को सुंदर रखें, सुसज्जित रखें, व्यवस्थित रखें, ये भी तो उपासना का ही अंग है। और फिर छोटे सा कोई सेवा का कार्य देखें तो जो अनुष्ठान का जो विसर्जन होता है ना वो बड़ा महत्व का होता है। जब आप किसी भी प्रकार का उपचार लेते हैं तो उसके बाद जो चीज़ें निकलती हैं उसको व्यवस्थित किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। तो हमारी पूजा उपासना का विसर्जन पूजा जो भी निर्वाल्य सामग्री निकलती है विसर्जन पूजा में उन्हें व्यवस्थित रूप से पेड़ पौधों के अंदर छोड़े, जलाशय में नहीं छोड़े। उसके बाद में
सूर्य भगवान को अर्घ दे कलश के जल से, जल पात्र आचमन पात्र से। अर्घ का यदि आपके पास साधन ना हो तो मानसिक अर्घ दे, भाव अर्घ दे, और एक ही भाव रखें विराट परमात्मा की महाचेतना के साथ। इस लघु आत्मशक्ति का संपूर्ण समर्पण परमात्मा को समर्पित है। कहते हैं कि उपासना में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, और हमारे आत्मसमर्पण की पूरी लगन और निष्ठा चाहिए। जब जाकर के उपासना रंग लाती है, परिणाम देती है, और लंबे समय तक साधक की प्रखरता और दृढ़ता बनाए रखती है। क्योंकि हम जो चेतना से जुड़े हुए हैं वो सूर्य चेतना है, और सूर्य चेतना की प्रखरता कहाँ नहीं है, 24 घंटे हैं। उसकी ऊर्जा की अनुभूति हम प्रतिपल अपने नाभि का मणिपुर चक्र हमारा सूर्य है। हम तो गायत्री अनुष्ठान को एक विधि ऐसा भी करने का बोलते हैं कि चंद्र स्वर से चंद्र गायत्री, सूर्य स्वर से सूर्य गायत्री, और जो सुषुम्ना प्राण है इसमें वेद माता गायत्री का महामंत्र का जप। इसको यदि आप करके देखो इतना परम आनंद आएगा। केवल 3 मिनट, 1 मिनट बाया स्वर चंद्र गायत्री का, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्न चंद्र प्रचोदयात। अंदर गई सांस, चंद्र नाड़ी चैतन्य हो गए। अब सूर्य नाड़ी को चैतन्य करना है। सूर्य नाड़ी से सांस लीजिए, मानसिक रूप से सूर्य गायत्री मंत्र बोलिए, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात। अब दोनों हाथ गोद में रख करके नाभि के पास रखिए, वेद माता गायत्री के पूर्ण 24 अक्षर के गायत्री महामंत्र का उच्चारण मानसिक रूप से करना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। ये सांस अंदर गए तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गायत्री को त्रिपदा कहा है, अज्ञान अभाव और आसक्ति दूर करने वाली, वात पित्त कप को संतुलित करने वाली, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को जगाने वाली। चंद्र शक्तियां हमारे शरीर के जल तत्व को संतुलित करेगी, और सूर्य शक्तियां हमारे अंदर की अग्नि तत्व को संतुलित करेगी। 13 अग्नियां शरीर में कार्य करती है, और सुषुम्ना नाड़ी प्राण अग्नि हमारी जीवात्मा को पर ब्रह्म से जोड़ने वाली नाड़ी हमें हमारे इष्ट की शक्तियां प्रदान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी कामधेनु गोमाता सुरभि के पावन चरण कमलों में अखंड चरण वंदन, और आप सब ने नवरात्रि 2021 की चैत्र नवरात्रि का अनुष्ठान का जो क्यों कैसे साधना में प्राण कैसे आए, प्रखरता कैसे आए, इसकी विधि जानी समझी। गुरुदेव ने तो इसको गायत्री महाविज्ञान में बहुत ही विस्तार से विशद लिखा है, मैंने तो केवल एक राई बराबर अनुभव किया और वही कुछ भाव आपको बताए हैं।